हेलो गाइस, आप देख रहे हैं आईबीएन भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया वाजपेयी। आज हम आपको एक ऐसी खुशखबरी देंगे जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सफलताओं को छूने के लिए हर कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी सारी दिक्कतों को दरकिनारे कर वो सफलता हासिल करते हैं। तो आज बात होगी मध्य प्रदेश की एक ऐसी ही बेटी के बारे में जिसका नाम है आचर गढ़वाल, जिन्होंने पूरे देश को प्राउड फील कराया है। तो चलिए बात करते हैं उसी बेटी के बारे में। एक तरफ नेटफ्लिक्स पर मूवी गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल रिलीज होने के लिए तैयार है, वहीं इसी बीच एक और बेटी ने कमाल कर दिखाया है। मध्य प्रदेश की आचर गढ़वाल ने इंडियन एयर फोर्स एकेडमी में इस बार टॉप किया है। आचल अब फ्लाइंग ऑफिसर है। हैदराबाद में पासिंग आउट परेड में आचल ने अपने ग्रुप को लीड करने वाली एकमात्र महिला थी। आचल के पिता सुरेश गढ़वाल मध्य प्रदेश के जिले में चाय की दुकान चलाते हैं, मां सिलाई का काम करती हैं। जाहिर सी बात है कि बेटी की इस सफलता पर माता पिता को बहुत गर्व है और वो खुश हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर उनके पिता ने क्या कहा उनकी बेटी की इस सफलता के बारे में। आचल के पिता कहते हैं कि हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चे उनके सपने पूरे करें और बच्चों का भी फ़र्ज़ होता है कि वो माँ बाप की हर ख्वाहिश पूरी करें। मेरी बच्ची ने मेरे सपने पूरे कर दिए। हम जैसे लोगों को दिक्कतें तो आती रहती हैं, लेकिन ना तो हमने कभी हिम्मत हारी और ना बच्चों को हारने दी। कभी बच्चों को पता ही नहीं चलने दिया कि पापा पैसे कहाँ से ला रहे हैं। आज बच्चे उम्मीदों पर खड़े उतरे हैं। पूरे देश को बच्चों पर गर्व है। स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट हैं आचल। वहीं आचल के फिजिकल ट्रेनर किशनपाल सिंह कहते हैं आचल 8 साल तक उनके पास बास्केटबॉल ट्रेनिंग के लिए गई थी। वे स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें बचपन से देख रहा हूं। अच्छे से याद है कि आचल के पिता ने किस तरह पैसे इकट्ठा करके आचल को कोचिंग के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर भेजा। सबसे मुश्किल टाइम आचल की ज़िंदगी में वो था जब उन्हें 24 दिनों में 8 किलो वजन कम करना था। आचल के सामने बड़ी दिक्कत थी, लेकिन आचल ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने 3 दिन तक पानी भी नहीं पिया। 2 सरकारी नौकरी भी छोड़ी है आचल ने। जी हाँ, आचल का 12वीं क्लास से यही टारगेट था कि वो एयरफोर्स में आए। 2013 में उत्तराखंड के बाढ़ में के दौरान एयरफोर्स ने जिस तरह से लोगों की मदद की, उससे आचल काफ़ी इंस्पायर हुई थी। इसके लिए उन्होंने CDS की तैयारी की। CDS क्वालिफाई करने से पहले आचल मध्य देश में पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात की जॉब कर चुकी हैं। जी हाँ, ये थी आचल की कहानी कि आचल कैसे इतनी कठिनाइयों के बाद आज एयरफोर्स में उनको सफलता प्राप्त हुई और वो अब फाइटर प्लेन उड़ाएंगी। उनको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने भी उनकी तारीफ की है। तो चलिए दिखाते हैं आपको आचल की कुछ तस्वीरें और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो ट्वीट जिसमें वो आचल को बधाई दे रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी आईबीएन भारत की ये स्पेशल रिपोर्ट पसंद आई होगी। आपको भी कुछ प्रेरणा और आप भी इंस्पायर हुए होंगे कि कैसे हम अपने माँ बाप का और देश का नाम रोशन करें, ना कि उलझुल बातों में अपना वक्त बर्बाद करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आईबीएन भारत। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।